Shoot. 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 घुस जा किक, एक और घुस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, घुस घुस घुस, एक और घुस, एक और मार मार मार, समृद्ध मवाशी पीठ पे पीठ, वार्निंग में उसको मार, अरे उसको ब्लॉक करना रे बहन, यक्को गिरी मार, यक्को नहीं, यक्को गिरी क्यों नहीं, अभी जो वो ज़्यादा इस्तेमाल किए वो करना मस्त गिरी गर्ल्स वियर चिल्ड्रन वियर एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते। मैं शमशीर इरशाद यहाँ बुशीडो कराटे किक बॉक्सिंग डोजो की लेडी इंस्ट्रक्टर हूँ और हमारे यहाँ पर कराटे किक बॉक्सिंग वेट लॉस वेट गेन और क्रॉसफिट ट्रेनिंग कार्डियो सेशन ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली सेल्फ डिफेंस वुमेंस के लिए भी और मेंस के लिए भी। अपनी बहनों से यानी के औरतों से ये कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा अगर सोचना है किसी चीज़ पे तवज्जो देनी है तो अपनी ज़ात पर। हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अपने पढ़ाई के जो मकसद होते हैं वो पूरा करते हुए अपने आप को हम अवॉइड कर देते हैं, कभी अपने जिस्म पर अपनी जहनी तवानाई पर ध्यान नहीं देते।
तो हमारे मसरूफ़ ज़िंदगी में से कम एक दो घंटा निकालना ताकि हम अपनी तलाश कर सकें, अपने आप को जान सकें और अपने आप पर तवज्जो दे सकें। उसके लिए हमारे जिम में नहीं कराटे तो ख़वातीन के लिए सिर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है और जिम की है, लड़कियों के लिए कराटे है, किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है। इसमें आकर ना वो अपने आप को मनवा सकते हैं, उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें निकलेंगी। हर इंसान के अंदर एक होता है, बुशीडो होता है, जो हमें यहाँ आकर पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं कराटे में, किक बॉक्सिंग में। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को वो ईमान वाला मर्द और औरत पसंद है जो सेहतमंद हो और मजबूत हो, बनिस्बत उस ईमान वाले मर्द और औरत के जो कमज़ोर हो। इसी बात के मद्देनज़र मैं कराटे एंड किक बॉक्सिंग सीखना चाह रही थी। इसी सिलसिले में मैं मालेगांव के बहुत सारे कराटा इंस्ट्रक्टर्स से कांटेक्ट में थी और इसी दौरान मुझे फिर बोशिडो कराटे एंड मार्शल आर्ट का एडवर्टीज़ नज़र आया। जिस तरह से मैं पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स से बात करी, अपने आप को मुतमईन करना चाह रही थी कि ये लोग इसमें सिखाते क्या हैं, मैं पहले ये जानना चाहती थी कि इसमें सिखाया क्या जाएगा, लेकिन मुझे पहले इतना इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं बोशिडो कराटे एंड मार्शल आर्ट के टीचर्स से कांटेक्ट करी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श जवाब मिला। जैसे मुझे कॉल पर ही उन्होंने बता दिया था कि ये लोग क्या सिखाएंगे, जैसे किक में 9 तरीके की किक सिखाएंगे, इसी तरीके से पंचेस और ओपन हैंड टेक्निक में 7 तरीका बताया जाएगा, फिंगर टेक्निक रहेगी, एल्बो टेक्निक रहेगी, ये सब तरीके से ये इन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने एकदम बिल्कुल ठान लिया कि बस अब बोशिडो कराटे एंड मार्शल आर्ट में ही एडमिशन लेना है। जी, उसके बाद यहाँ की ओपनिंग के दिन भी मैं यहाँ थी। 15 अगस्त को हमारी ओपनिंग थी, उसके एक महीना पहले से ही मैं यहाँ ज्वाइन कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वाइट बेल्ट सब क्लियर कर चुके हैं, हम लोग येलो बेल्ट में आ चुके हैं। तो वाइट बेल्ट का जितना भी सिलेबस है उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत परफेक्ट है। आप लोग इस चीज़ को देख भी सकते हो, हमारे बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे हैं, 16-17 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। जी अनीस मंसूरी है, मैंने हाल ही में भी नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में मैंने एक गोल्ड मेडल काथा में और एक कुमिते में जीता है और उसके साथ ही साथ मुझे ट्रॉफीज़ भी मिली है। और तो और मैंने पिछले ही महीने मुंबई में होने वाला इंटरनेशनल का जो मैच हुआ था उसमें 13 कंट्रीज़ ने बहुत सारे हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया था, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन उसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मेरा नाम सहरीन सदव शाबान अली शाह है और मैं काते में गोल्ड मेडल जीती हूँ और मैंने मुंबई में नेशनल लेवल पर खेली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर और भी आए स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बोशिडो में और भी स्टूडेंट आए। बाद मैं न्यूएरा में पढ़ती हूँ और बुशिडो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट है। और लास्ट मंथ थोड़े टाइम पहले ही हम लोग ने अभी नेशनल गेम खेला है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला है। आई जस्ट वांट कि सब गर्ल्स यहाँ आए और यहाँ का सब सीखे, कराटे सीखे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड आई जस्ट होप कि सबको मेरा मैसेज पहुँचे। थैंक यू। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैंने काते में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं तो वो बहुत अच्छी से सिखाते हैं और मतलब हम जो गलती करते हैं तो उसे और पकड़ के और अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोग को क्या कराटे, मतलब कराटे आप जो भी बच्चे लोग को मतलब छेड़ा कोई पकड़ा तो आपको वो करना चाहिए। शुक्र अलहमदिल्ला अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं इंटरनेशनल बॉम्बे खेलने गई थी, वहाँ पे मेरे को सिल्वर मेडल मिला है। और अब की बार जब थाने में गए थे वहाँ पे सिल्वर गोल्ड ये सब मेडल मिले हैं। यहाँ पे मैं अपना वेट लॉस करने आई थी लेकिन मैं यहाँ आके देखी कि यहाँ पे कराटे की एक अहमियत है। ज़िंदगी में कराटे हर इंसान को सीखना चाहिए, मेरे हिसाब से कराटे भी और सेल्फ डिफेंस तो हर किसी को सीखना ही चाहिए। यहाँ पे आके मैं देखी, जगह जगह गई, मुंबई गई, मालेगांव में खेली। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि मैं कुछ है। उसके बाद मेरी मतलब हिम्मत और बढ़ गई। पहले मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे हम सब बच्चे। मोहम्मद अशनब अशफाक अहमद, नेशनल टूर्नामेंट मुंबई अंबर कॉलेज नेशनल कॉलेज में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जीत गए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ट्रॉफी और बहुत सारे इनामात मिले। फाइट बहुत अच्छी हुई वहाँ पर और हम तमाम तलबा ही जीत कर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मायसेल्फ मोहम्मद वली परवेज अंजुम एंड आई रिसेंटली जॉइन दिस बुशीडो क्लास फॉर माई अमेलोरेशंस इन माई फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड देंस इट हैज़ प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट हेयर एंड बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई हैव ऑल्सो लर्न सो मैनी टैक्टिक्स एंड सो मैनी मार्शल आर्ट एंड सो मैनी फार्मूलाज डैट इट हैज़ ऑल्सो इन्हांस माई मेंटल फोकस एंड माई रीडिंग एबिलिटीज़। The teachers here are very favorable and they are the masters of recondite knowledge and their obscureness truly fascinates me. Thank you. Ko mera pati ka barkat hu. My name is Shah Mohammad Zakwan Sharif Shah. I win in first prize on Amber International School इन मुंबई। मैं अंबर इंटरनेशनल स्कूल में जाके मेडल एंड ट्रॉफी जीता और मुझे ट्रॉफी अरे मेडल जीत कर बहुत अच्छा लगा। मेरी अम्मी भी बोले कि माशाल्लाह अगली बार गोल्ड मेडल लाना। अंबर स्कूल इंटरनेशनल कॉलेज से दो मेडल जीत कर आया, एक गोल्ड एक सिल्वर। और मैं डेडी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो भी खेलने कहाँ पर गए थे, मेडल कहाँ पर मिला था? अंबर स्कूल इंटरनेशनल कॉलेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं ना अफजल खान है, मैं बोशीडो का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। और बोशीडो का हमारा मकसद ये है कि हमारे जो कराटे है, असल में मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है तो मैं 18 साल अपनी ट्रेनिंग किया हूँ, नेशनल इंटरनेशनल मास्टरों के पास ट्रेनिंग की हुआ और मैंने अपना कंप्लीट किया हूँ। मैं इसमें थर्ड डन ब्लैक बेल्ट संसाय बोले तो वो होता है, संसाय मीन्स मास्टर। और मास्टर आदमी तब बनता है जब वो थर्ड डन ब्लैक बेल्ट होता है। तो जैसे भी डॉक्टरी में MBBS होता है, वैसे इसमें कराटे में थर्ड डन ब्लैक बेल्ट होने के बाद आदमी संसाय बनता है। तो हम तो संसाय अपनी ट्रेनिंग मैंने 18 साल में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एशिया के बेस्ट कोच के अंदर ट्रेनिंग की है। तो ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग ने यहाँ बोशीडो लॉन्च किए। बोशीडो जब लॉन्च किए हमने तो हमारा एक मकसद है उसके लिए, क्या ये हमारी चीज़ें जो हम बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोगों तक पहुँचे। और उसमें हम लोग इंटरनेशनल में बच्चों को खिलाना चाहते हैं। हमारा टारगेट है जैसे कि UFC वन चैम्पियनशिप के अलावा अपना वन कुमिते और मेट्रिक फाइट नाइट, जो मतलब इंडिया के और इंटरनेशनल के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, हम बच्चों को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि बच्चे वहाँ तक जाएँ, अपना नाम बनाए तो ज़रूरी चाहिए। और सेल्फ डिफेंस सबसे ज़रूरी है। अगर वहाँ तक कोई नाम नहीं भी बनाना चाहता है तो वो कोशिश ये करें कि हम सेल्फ डिफेंस कैसे करें, क्योंकि भाई हम लोग किसी एक लड़कियों में डर रहता है, लड़की जैसे चलती है तो इतना डर के चलती है, तो उसके अंदर वो डर ना रहे, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी खुल के जिए और अपने दम पर रह के जिए। ना कि मतलब कि कहीं मुझे जाना है तो उसके लिए मतलब कोई अगर साथ में तो नहीं जा पाती हो, जैसे बच्चों को छोड़ने हैं, औरतें हैं बच्चों को छोड़ने जा नहीं पाती है, लड़कियाँ हैं तो अकेले कॉलेज स्कूल नहीं जा पाती है, हमारे बच्चे हैं इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना जाते हैं बाहर कंट्री, तो अगर वो कराटे करते हैं और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उनको आती है तो इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जा सकते हैं। बाहर इसलिए जा सकते हैं कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने से, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और अलग अलग कोई PhD कोई अलग अलग लेवल अपने तौर से करना चाहता है, तो वो अपने दम पे जा सकेंगी, उसको एक डर नहीं रहेगा उसके अंदर। जैसे अभी यूक्रेन का मामला हो गया था, वहाँ पर बच्चियों को मतलब बच्चे जो भी पढ़ने गए थे तो उनको एक डर था कि हम लोग इंडिया कैसे पहुँचेंगे। तो ये हम लोग जब कराटे बंदे के अंदर रहता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम अपने दम पे वहाँ इंडिया से जा सकते हैं वापस। उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जाऊँगी, मैं जा सकता हूँ। तो ये हर किसी में कॉन्फिडेंस रहता है, तो कॉन्फिडेंस से बना रहता है और ये बहुत बेहतर चीज़ है। ये अगर जब तक बंदा मेंटली और मतलब फिजिकली प्रिपेयर नहीं है तो मेंटली प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। जब बंदा फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है तो उसके लिए अंदर कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आने से उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में उसकी ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है और हम वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कराटे, किक बॉक्सिंग और सेल्फ डिफेंस, वुमन सेल्फ डिफेंस, वेट लॉस,
वेट गेन और क्रॉस ट्रेनिंग, ये क्रॉस फिट, ये सारी ट्रेनिंग हमारे वहाँ हैं। अलहमदिल्ला बेहतर ट्रेनिंग है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है हमारी। और हमारा जैसे बोशीडो का पता है हमारा, मतलब सुपर मार्केट के पास में सक्सेस बिल्डिंग मेटल्स के अंदर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बोशीडो किक बॉक्सिंग जिम है। और हमारे बच्चे अभी जल्दी लास्ट मंथ में हमारे बच्चों ने खेले इंटरनेशनल, जिसमें 3 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं। तो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों में से जैसे हमारे 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट, 2 गोल्ड आए, एक लड़का था जिसमें मुसब नाम है और दूसरी एक लड़की है सादिया, उसका भी गोल्ड आया है, और एक साइन उसका भी सिल्वर आया है। तो ऐसे 3 इंटरनेशनल हमारे इस मंथ में आए, हमारी मतलब बोशीडो की भी 6 मंथ की जर्नी में काफ़ी अच्छा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो हमारे बच्चे भी 12 तारीख को जो नेशनल खेले हैं, तो उस नेशनल में हमारे 21 बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिसमें 13 लड़की और 7 लड़के थे। तो उसमें हमारे मतलब 17 गोल्ड मेडल आए, 16 सिल्वर मेडल आए, 10 ट्रॉफी बच्चों ने हासिल किया है। तो काफ़ी अच्छा वो रहा हमारा, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बेहतर कर पाएँ, और हम अपने आपको पेश करना चाह रहे लोगों के सामने कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या आपको दे सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश है। बाकी बेहतर आप लोग को सब समझते अपने आपके अपने लिए कि हमारे बच्चों को क्या क्या बेहतर हमारे बच्चों के लिए और क्या नहीं। तो बेहतर तो ये चीज़ है कि हमारे बच्चे अपने दम पे जिए, अपने दम पे तभी जी सकते जब तक उनको मतलब मार का और लड़ने का डर खत्म हो जाता है। हम लोग को लड़ना नहीं बोल रहे कि आप जाके बस निकल रहे लड़ने के लिए, आपको लड़ना नहीं है, बस अपने अंदर एक है क्या जब भी कभी हमारे ऊपर ऐसे हालात आ जाएँ कि हमको लड़ना ज़रूरी है, तो उतना तो आना चाहिए ना हर किसी को। अगर उतना भी नहीं आता है तो फिर हम किस काम के हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हर किसी को मतलब अपने दम पे रहने की मतलब वो हो। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप लड़ने निकल जाओ, बाकी हम तो फिलहाल स्पोर्ट्समैन हैं, हम तो स्पोर्ट के तालुक से करवाते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स आगे कैसे बढ़ेंगे। ये एक स्पोर्ट गेम भी है और बेहतर गेम है, एक बच्चों के अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करने के लिए। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, जज़ाकअल्लाह खैर इनको, न्यूज़ चैनल को जज़ाकअल्लाह खैर करना चाहूँगा मैं, अपना सैफ ने इसको उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग बाकी सब बच्चों की तरफ से। जी अभी हमारे वहाँ ट्रेनर है, मैं हूँ अफजल खान, और दूसरे रिजवान मिर्ज़ा सर, और तीसरी हमारी शमशीरा मैम है, शमशीरा इरशाद, ये हमारे यहाँ के कोच हैं। जी लेडीज़ के लिए हमारे वहाँ है ना, हमारी शमशीरा मैम है वो लेडीज़ को करवाती है, और जेंट्स के लिए मैं हूँ और रिजवान सर हैं, तुम लोग हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अपील करेंगे आप शहर की आवाम से? शहर के आवाम से क्या, शहर के आवाम से नहीं, हम लोग मतलब तमाम हमारे हिंदुस्तान के आवाम से क्या कहना चाहेंगे, हमारे गाँव के ताल्लुक से हम लोग नहीं लिमिटेड रहना नहीं चाहते हम लोग, कि भाई तमाम लोग हर कोई सीखे, हर जगह अपनी अपनी जगह पर सीखे। और हमने बेहतर इंस्टीट्यूट बनाया है, मतलब एक इंस्टीट्यूट के तौर से बनाया हमने, एक अच्छा डोजो है हमारा, स्टैंडर्ड डोजो है और हमारा स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। तो हम चाहेंगे, हमने कम से कम फीस में रखी है, ऐसे अगर मेरी फीस अगर देखा जाए तो मैं बॉम्बे में एक सेशन बोले तो डेढ़ घंटे के लिए मैं 2000 रुपये चार्ज करता हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ तो मैं एक सेशन के लिए 2000 रुपये चार्ज करता हूँ, डेढ़ घंटे के सेशन का। तो मेरे फीस बहुत मेरे चार्जेस बहुत हाई फाई हैं, जैसे कि मैं वहाँ पर 20,000 रुपये 10 सेशन के लेता हूँ। यहाँ हम लोग ने वैसा नहीं किया है, हमने यहाँ पर कम से कम में, जैसे हमारे यहाँ के आवाम हमको पता है, हमारे लोग हमको पता है क्या, हम लोग एक मिडिल क्लास हमारा गांव है, तो मिडिल क्लास गांव के हिसाब से हम लोग मतलब जो हमारी मतलब यहाँ की ये जो गांव की वो है, जैसे हमारा गांव एक मतलब पावरलूम का शहर माना जाता है, तो एक गरीब तबके के सभी लोग, हमने सभी को लिए इसलिए एक मुनासिब फीस रखी है, कम से कम फीस में हम लोग करवा रहे हैं लोग बच्चों को, और बेहतर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक गुजारिश है कि आप लोग आए और हमारा डोजो देखे और यहाँ पर मतलब सीखने के लिए आए, और हम बेहतर चीज़ मतलब आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मिर्ज़ा रिजवान अहमद, बोशीडो मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट एसोसिएशन और बोशीडो कराटे एंड किक बॉक्सिंग डोजो का कोच हूँ। यहाँ पर आप देखे हों कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे हमारे शुरू ही दिन से, जैसे ही हमारा बोशीडो डोजो ओपन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 2022 को डोजो ओपन हुआ, सेकंड अगले ही हफ्ते में स्टेट लेवल महाराष्ट्र कराटे एसोसिएशन की जानिब से स्टेट लेवल कराटे चैम्पियनशिप हुआ, वहाँ पर हमारे डोजो से 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 में से 2 बच्चों के मेडल आए। उसके बाद जैसे ही स्पोर्ट्स और कंपटीशन के सिलसिले, स्कूल गेम्स के सिलसिले दराज हुए, वहाँ पर हमारे एकेडमी से जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया,
हर एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस करके मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद जाने के बाद डिवीज़न लेवल पर किक बॉक्सिंग और कराटे के इसमें भी हमारे बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की। मुसलसल जैसे ही डोजो हमारा शुरू हुआ तब से लेकर अब तक जहाँ पर भी कंपटीशन हुआ है और हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है वहाँ पर 100% रिज़ल्ट आया है। और देखने का मामला ये हुआ है कि आप तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर मासूम मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे इनके साथ में हमारी कौम की बच्चियाँ भी माशाल्लाह इसमें काफ़ी दिलचस्पी बता रही हैं और इनका रिज़ल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है। अभी जैसे कि हमारे अंबर इंटरनेशनल स्कूल में जो नेशनल लेवल इंडिया कराटे चैम्पियनशिप हुआ वहाँ पर 13 लड़कियों ने हमारे पार्टिसिपेट किया और 8 लड़कों ने, कुल इस तरीके से 21 बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 17 गोल्ड और 16 सिल्वर मेडल अचीव किए हैं और उसी के साथ साथ कुछ तकरीबन 10 अजाफी एजाजी ट्रॉफी भी बच्चों को वहाँ से मिली हैं। आज जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के मामले में ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं, ट्यूशन पे ऊपर खर्चा करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा उन पेरेंट्स से, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं और तालीम के लिए मालेगांव से हटकर मुंबई, नासिक, दिल्ली या आउट ऑफ कंट्री जाने के ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाकर पढ़े, तो ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के गुर से जो है तो आशना करवाए। तो मैं उन पेरेंट्स से दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए रवाना करें। हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए लेडीज़ ट्रेनर अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैक बेल्ट लेडीज़ ट्रेनर, और उसके अलावा गाइडेंस के लिए जेंट्स के लिए हमने जो है स्पेशल ट्रेनर मुंबई से मास्टर अफजल खान को मुंबई से मधु किया है, जो यहाँ पर वो हेड कोच के तौर पर यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस तकरीबन 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा एक अनमोल तोहफा हमारे मालेगांव शहर की आवाम के लिए यहाँ पर रखा गया है, वो यहाँ पर एक मरतबा आए। हम हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, कराटे कर सिखा रहे हैं बच्चों को, किक बॉक्सिंग करवा रहे हैं, क्रॉस फिट करा रहे हैं, वेट लॉस वेट गेन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, कार्डियो की ट्रेनिंग जा रही है, क्रॉस फिट की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव में ये एक मुनफर्द और अव्वलीन अदारा है जो इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर कोशा हैं। आप तमाम ही सरपरस्तों से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की सेहत से मुतालिक फ़िक्रमंद होकर उनको यहाँ तक लेकर आएँ, एडमिशन करवाएं। फिज़िकल एक्टिविटी करने से ये होता है कि हमारे बच्चे जो है तो अब मुख्तलिफ तरीके की जो आज समाज में माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, आप देखेंगे कि हमारे बच्चे वक्तन वक्तन पढ़ाई के बाद फौरन जो है तो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते बल्कि अपने पेरेंट्स के मोबाइल लेकर बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसी आदतों से हमारे बच्चे बचे के कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, उसके अलावा अगर उनके पास में फ़िज़िकल एक्टिविटी रहेगी सेहत से मुतालिक वो अवेयर रहेंगे तो उसमें ये होगा कि वो दीगर लानती जो वो आदतें हैं, गुटखा नवेशी, शराब नवेशी, बीड़ी, तंबाकू, ऐसे शौक से भी हमारे बच्चे जो है तो बचेंगे। तो आपसे तमाम से इल्तिजा है कि अपने बच्चों को कम अज़ कम रोज़ाना 1 घंटा जो है तो फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएँ। खुदा हाफिज़।